हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। आप सभी प्रशिक्षु अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं, और मैं आपको पहले ही एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आज सुबह 9 बजे मैं आपके साथ कुछ DLED प्रमोट को लेकर कुछ स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सभी ज़रूर देखिएगा, और हम उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रमोट होने के लिए क्या कुछ किया जाए और किस तरह से चीज़ें होगी, सब कुछ आपके साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। सो डोंट वरी, आपके लिए एक बढ़िया और एक सटीक जानकारी आज 9 बजे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए अब देखते हैं अपनी आज की अपडेट को। यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों, राज्य विश्वविद्यालय के 280,000 छात्र होंगे प्रमोट। यहाँ पर दोस्तों, इस विश्वविद्यालय ने भी अपने 280,000 छात्रों को प्रमोट करने की मांग की है। विश्वविद्यालय एवं संगठक कॉलेजों में कुल 450,000 विद्यार्थी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद शासन से निर्देश मिलने का इंतज़ार है बस, और बाकी तो प्रमोट मान ही लिए गए हैं। यहाँ पर बात करें दोस्तों, राज्य विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालय के तकरीबन 280,000 छात्र छात्राएं इस साल बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। शासन की ओर से गठित 3 सदस्यीय कमेटी ने अपने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके अनुसार यहाँ पर बात की गई है कि राज्य विश्वविद्यालय ने इन विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन को अब शासन से दिशा निर्देश होने का इंतज़ार है, ताकि प्रमोशन और परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा सके। क्योंकि दोस्तों, जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, उसने फैसला लिया था, जो कि हमने कल के अपडेट में आपके साथ शेयर किया था, कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जाए और जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनकी परीक्षा ली जाए। तो यानी प्रथम और द्वितीय के लिए तो यहाँ पर प्रमोट का आने, दिशा निर्देश आने की आप कह सकते हैं इंतज़ार किया जा रहा है, और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम कराने के दिशा निर्देश जारी होने का इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा है। पिछले साल भी कोविड के कारण राज्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रोन्नत किया गया था। इस बार भी कोविड के कारण परीक्षा कराने की परिस्थितियां नहीं बन पा रही है, और इसी वजह से शासन ने समस्या के निराकरण के लिए 3 कुलपतियों की एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में बिना परीक्षा के प्रमोट किए जाने की सिफारिश की है। और दोस्तों, आपको बताएं तो राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में तकरीबन 280,000 छात्र छात्राएं इस सिफारिश से प्रभावित हो रहे हैं, जो बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। यहाँ बात करें तो प्रतापगढ़, कौसाम्बी और ये काफ़ी सारे यहाँ पर कॉलेजों की बात की गई है, जिनमें 450,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। स्नातक प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं की संख्या भी 3,20,000 के आसपास है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कितने छात्र इस बात से लाभान्वित होने वाले हैं, जो 3 सदस्य कमेटी ने अपनी आप कह सकते हैं अपनी बात रखी है प्रमोट करने को लेकर के, तो इतने विद्यार्थियों का यहाँ पर इससे प्रभाव पड़ने वाला है। सो गाइज, ये तो हो गई बाकी विश्वविद्यालयों की बात, जिनमें लगातार प्रमोट करने को लेकर के मांग उठाई जा रही है, और जहां आप कह सकते हैं ये मांग पूरी हो चुकी है, कई सारे विश्वविद्यालयों की प्रमोट कर दिए गए हैं। लेकिन अब बारी है DLED की, और DLED के लिए एक बड़ा कदम उठने जा रहा है कल, तो उसके बारे में चर्चा हम करेंगे 9 बजे। सभी आइएगा, और जानकारी पसंद आई है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आज हम अपनी रफ्तार में फिर से वापस आ गए हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।